प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफाई का संकल्प लेने के बाद राजस्थान में भी इसका संकल्प लिया गया है, लेकिन क्या बिना आम लोगों की सहभागिता के ये पूरा हो पाएगा? अब देश में कहीं भी नहीं होगी गंदगी। सरकार ने उठाया है सफाई का बीड़ा, गंदगी को साफ करेगी सरकार। मोदी सरकार ने लिया है संकल्प। विदेशों की तर्ज पर अब हिंदुस्तान को भी साफ सुथरा बनाने की कवायद शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के बाद कई जगहों पर इसकी औपचारिक शुरुआत भी हो गई। राजस्थान में तो बाकायदा 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक स्वच्छता सप्ताह भी मनाया जा रहा है। इसके तहत जगह जगह प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि अपने अपने इलाकों में झाड़ू लगाते नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप देख भी सकते हैं कि मोदी जी के एक इशारे पर न सिर्फ दिल्ली बल्कि राजस्थान की अलग अलग जगहों पर भी बड़ी हस्तियां शहर की सफाई करने निकल पड़ी हैं। अभियान में कोई कसर न रह जाए इसके लिए खुद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय के गाँव धानकिया जाएंगी और वहीं से स्वच्छ राजस्थान की परिकल्पना भी करेंगी। यही नहीं, सरकार ने ये भी तय किया है कि आने वाले पंचायत चुनावों में जो भी लोग चुनाव लड़ना चाहेंगे उन्हें ये बताना भी जरूरी होगा कि उनके घर में शौचालय है या नहीं। 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक स्वच्छता सप्ताह चलाया जाएगा। इस अभियान के में या एक और जन जागरूकता, जन प्रतिनिधि, सिविल सोसाइटी और विभिन्न संगठनों को सहभागी बनाया जाएगा। वहीं 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर धानकिया गांव, जहां माननीय दीनदयाल जी की जन्मस्थली है, वहां स्वच्छ राजस्थान की परिकल्पना को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री जी जाएंगी। उस दिन पूरे राजस्थान के अंदर विभिन्न स्थानों पर स्वच्छ राजस्थान, स्वच्छ हिंदुस्तान इसकी परिकल्पना के लिए शपथ ग्रहण का काम भी होगा। सरकार शायद ये समझती है कि बिना सरकारी आदेशों के स्वच्छ राजस्थान की परिकल्पना पूरी नहीं हो सकती। यही वजह है कि सरकार अब आगे से होने वाली सरकारी नियुक्तियों में भी शौचालय को एक अनिवार्य अर्हता बनाने का मन बना रही है। अब आने वाले पंचायत राज के चुनाव में सरकार ने तय किया कि जनप्रतिनिधि के लिए अर्हताओं में एक यह भी जोड़ा जाएगा कि उनके खुद के आवास पर शौचालय है। राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी सेवा नियमों में इसको सम्मिलित किया जाए, इसके लिए भी राज्य सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। कोई शक नहीं कि क्लीन इंडिया के सपने को पूरा करने का अभियान एक सराहनीय कदम है, लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब किसी भी सरकार की तरफ से स्वच्छता का संकल्प लिया गया है। इससे पहले भी दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने दिल्ली को टोक्यो बनाने की मुहिम शुरू की थी। यही नहीं, वसुंधरा राजे भी शपथ ग्रहण के फौरन बाद जयपुर की सड़कों पर झाड़ू लेकर निकल पड़ी थीं, लेकिन उसके बाद अचानक सरकारी झाड़ू गायब हो गई। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री की तरफ से सफाई का संकल्प लिया गया, सारे लोग फिर इस संकल्प को पूरा करने को लेकर सक्रिय हो गए। सवाल ये है कि क्या जनता की सहभागिता के बिना ये सब संभव है? क्या सिर्फ सरकारी आदेशों और सरकारी कार्यक्रमों से स्वच्छ राजस्थान, स्वच्छ हिंदुस्तान का सपना पूरा हो पाएगा? अजीत शेखावत, समय राजस्थान, जयपुर।